हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल न्यूज एमडी ट्रिक एंड टैग पर। दोस्तों, आज के वीडियो में आप जानने वाले हैं फिलिप्स कंपनी के पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर के बारे में। वो इस स्पीकर की ओपनिंग कैसे होती है, इसके अंदर ओपन करने के लिए कौन कौन से टूल यूज होते हैं, और इसके अंदर जो चार्जिंग प्रॉब्लम आती है उसको हम कैसे ठीक करेंगे, चार्जिंग जैक कैसे हटाया जाता है, चार्जिंग जैक की सोल्डरिंग कैसे की जाती है, ये सभी आज आप इस वीडियो में जानने वाले हैं। दोस्तों, आप सभी हमारे सब्सक्राइबर भाइयों से हमारी एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें। दोस्तों, हमारे कई सब्सक्राइबर भाइयों की एक क्वेरी थी या एक उनका रिक्वेस्ट थी कि सर, आप जो टेक्निकल लैंग्वेज बोलते हैं हमको उसमें कई वर्ड समझ में नहीं आते हैं, क्योंकि हमारे लिए वो वर्ड बिल्कुल अननोन है। तो दोस्तों, आज आपकी इस प्रॉब्लम के लिए हम एक बहुत ही अच्छी अनाउंसमेंट करने वाले हैं। वीडियो के एंड में हम आपको बताएंगे कि इसके लिए हमने क्या समाधान निकाला। आप सभी व्यूवर्स के लिए हमने एक जो नई स्कीम निकाली है दोस्तों, वो हम आपको बताने वाले हैं। और जो भी हमारे भाई इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में कुछ जानना चाहते हैं या कुछ सीखना चाहते हैं, तो उन सभी के लिए हमारी अनाउंसमेंट बहुत ही यूजफुल होने वाली है। दोस्तों, आप सभी का प्यार सपोर्ट बहुत अच्छा मिल रहा है हमको, इसके लिए आपका तहे दिल से दोस्तों धन्यवाद। आप सभी का प्यार यूं ही मिलता रहे दोस्तों, यही उम्मीद करते हैं हम। दोस्तों, अब हम चलते हैं वीडियो पे। आप देख रहे होंगे दोस्तों, इसके अंदर दो पीसीबी हैं। एक पीसीबी दोस्तों मेन बोर्ड है नीचे की साइड में, और दोस्तों एक पीसीबी छोटे वाली है जिसपे इसका चार्जिंग जैक लगा हुआ है। दोस्तों, ये जो आप वायर देख रहे हैं इसको हम रिबन वायर बोलते हैं, इसको हम पीसीबी से अलग कर लेंगे। जो इसकी मेन पीसीबी है उससे हम इसको अलग कर लेंगे। इसके बाद में दोस्तों, हमें जिस पीसीबी पे काम करना है वो पीसीबी हमारी अलग हो चुकी है, इस पीसीबी पे हम काम करेंगे। इस पे चार्जिंग जैक लगा हुआ है, आपको पूरा प्रोसेस दिखाने वाले हैं कि चार्जिंग जैक को आप कैसे इजीली निकाल सकते हैं बिल्कुल सेफ तरीके से। दोस्तों, चार्जिंग जैक निकालने के लिए आपके पास एक हॉट गन होना चाहिए, जिसके द्वारा आप चार्जिंग जैक को ईजिली निकाल सकते हैं। आपको क्या करना है कि जैक निकालने से पहले इसके ऊपर सोल्डरिंग फ्लक्स पेस्ट जो हमारा होता है उसको अप्लाई कर देना है। आप देख सकते हैं हमारे पास F913 मॉडल का सोल्डरिंग फ्लक्स पेस्ट है, इसको हम चार्जिंग जैक पे अप्लाई करेंगे ताकि हमारे जो इसके आसपास जो पार्ट्स होते हैं वो हमारे मिसप्लेस ना हो हॉट गन के द्वारा जब हम हीट लगाएंगे, और हमारे चार्जिंग जैक के नीचे जो हमारे ट्रैक होते हैं वो ख़राब ना हो। फ्लक्स पेस्ट यूज करने के बाद अपने को हॉट गन का यूज करना है। दोस्तों, हॉट गन को आप 300 से 350 हीट के ऊपर आप रख सकते हैं। आपको एक ट्वीजर की मदद से दोस्तों जैक को इजीली पिकअप कर लेना है। आपको इस तरीके से हॉट गन को मूव करते रहना है, आपको एक जगह हॉट गन को नहीं रखना है। अगर आप एक जगह हॉट गन रखेंगे तो हमारी पीसीबी दोस्तों स्वेल हो सकती है, ठीक है। तो दोस्तों, देख सकते हैं हमने चार्जिंग जैक को ईजिली मूव कर लिया है। दोस्तों देखो, ये जो हम आपको दिखा रहे हैं गोल्डन कलर के जो वायर, दोस्तों इसको हम डिसोल्डरिंग वायर बोलते हैं, ठीक है। ये हमारे पीसीबी के अंदर जो एक्स्ट्रा सोल्डर लगा होता है उसको क्लीन करने के काम आता है, ठीक है। इसको कैसे यूज करते हैं डिसोल्डर वायर को, वो भी हम आपको इस वीडियो में दिखा रहे हैं। दोस्तों, आपको इस तरीके से कोई भी जैक को उसको ईजिली रिमूव कर लेना है। आपके पास आप देख सकते हो दोस्तों, हमने डिसोल्डर वायर जो हमारा है उसका यूज कर रहे हैं। आपको उसके ऊपर डिसोल्डर वायर के ऊपर अपने सोल्डरिंग आयरन को रखना है और पीसीबी पे हल्के हल्के हाथों से मूव करना है ताकि जो हमारे होल हैं जहाँ पे हम जैक लगाएंगे वो हमारे क्लियर हो सकें। आप देख सकते हैं दोस्तों, डिसोल्डर वायर यूज करने के बाद हमारे जो होल है बिल्कुल क्लियर हो गए हैं। अब इसके अंदर हम जैक ईजिली फिट कर सकते हैं, ठीक है। आपको इस तरीके से प्रोसेस से काम करना है, आपको बिल्कुल ईजी लगने लग जाएगा। दोस्तों, आपको सब कुछ सिखाने की जिम्मेदारी हमारी है, आपको कहीं पे भी कोई पॉइंट बचेगा नहीं। अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है कि सर हमको ये समझ में नहीं आ रहा, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपकी बिल्कुल जो हमसे बन सकेगा बिल्कुल हेल्प करेंगे। दोस्तों, अब आप हमारा परिवार हो और आपको हम पूरा सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, अब आप हमको बताते हैं कि चार्जिंग जैक को आप कैसे लगाएंगे। आपको जैक के ऊपर जो हमारे दोस्तों पिने होते हैं उनके ऊपर भी सोल्डरिंग फ्लक्स अप्लाई करना है, और सोल्डरिंग आयरन की मदद से चार्जिंग जैक की पिनों को हल्का हल्का हम सोल्डर कर लेंगे। इससे ये फ़ायदा होगा कि जब हम जैक को पीसीबी में लगाएंगे तो हमारा चार्जिंग जैक की सोल्डरिंग बढ़िया से होगी और वो पीसीबी से बिल्कुल सही तरीके से कनेक्टिविटी बन सकेगी, ठीक है। इस तरीके से आपको चार्जिंग जैक पे हल्का हल्का सोल्डर लगा लेना है, और आप जैक को पीसीबी पे रख के पहले देख लेंगे कि हमारा जैक बिल्कुल पीसीबी पे फिटिंग का है कि नहीं। जैक हल्के दोस्तों के कांटे अलग अलग साइज़ के होते हैं, जैक को आप पहले फिजिकल देख लेंगे कि हमारी पीसीबी पे ये जैक हमारा प्रॉपर लगेगा या नहीं। दोस्तों, आपको चार्जिंग जैक के आगे की पिनों को पहले सोल्ड कर लेना है, जैसा आप देख रहे हैं
इसके आगे के जो दो पॉइंट हैं उनको हम अच्छे तरीके से सोल्डरिंग कर देंगे। इसके बाद में दोस्तों जो इसका बैक साइड है, जो जहाँ पे इसकी पांच पिनें होती है दोस्तों, पॉजिटिव नेगेटिव बीच में डाटा की पिनें होती हैं, ठीक है, इन पिनों पे आप सोल्डरिंग करें। दोस्तों सोल्डरिंग करने से पहले आपको सोल्डरिंग फ्लेक्स पेस्ट इस पर अप्लाई करना है ताकि हमारे टाँके आपस में शॉर्ट ना हो और बढ़िया टाँके लगें, ठीक है। आपको इस तरीके से करना है, देखो दोस्तों आयरन की मदद से, आपके पास सोल्डरिंग आयरन होना चाहिए, सोल्डरिंग वायर होना चाहिए, ठीक है। आपको शुरू शुरू में थोड़ी दिक्कतें आ सकती है लेकिन आप एक दो बार जैसे करेंगे ना तो आपको ये काम बिल्कुल ईजी लगेगा। ओके तो दोस्तों आपको इसमें बिल्कुल भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप ईजिली करें। अगर कोई टाँके आपके शॉर्ट हो जाते हैं तो आप उस पर सोल्डरिंग फ्लेक्स पेस्ट लगाएं दोबारा से और उनको ईजिली बाहर की साइड निकालें, ठीक है। इसमें आप टाँके अगर शॉर्ट हो जाते हैं तो आप डिसोल्डरिंग वायर का भी यूज कर सकते हैं, जहाँ पे आपके टाँके अगर शॉर्ट होते हैं तो आप डिसोल्डर वायर की मदद से उन टाँकों को आप अलग कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों इस तरीके से आपको ईजिली सोल्डरिंग करनी है। आप देख सकते हैं हमने इसका जो चार्जिंग जैक है दोस्तों सोल्डर कर दिया है, कोई भी टाँका आपस में शॉर्ट नहीं है। इस तरीके से आप करेंगे तो आप अपने किसी भी गैजेट्स का चार्जिंग जैक ईजिली रिमूव कर सकते हैं, उसको लगा सकते हैं। दोस्तों हम इसको वापस से असेंबल करेंगे। असेंबल करने से पहले दोस्तों आपको एक हम बात ये बताना चाहते हैं कि आप जैसे ही कोई कनेक्टर पीसीबी से निकालते हैं तो उससे पहले उसमें अपनी पहचान कर लें कि उसमें कौन सा वायर किस साइड था। दोस्तों अभी हम इसको जो लगा रहे हैं तो हमको तो पता है कि इसके अंदर जो ये आप देख रहे हैं ट्रायंगल शेप का जो दोस्तों एक निशान हम आपको दिखा रहे हैं, ये दोस्तों इसकी फर्स्ट पिन होगी और इसकी साइड इधर हम ये रेड वाला वायर जो है दोस्तों ये लगेगा, ठीक है। तो आपको भी निकालने से कोई भी अपना सॉकेट में से कोई निकालने से पहले आपको ये देख लेना है कि इसका वायर कौन सा किस साइड था। दोस्तों हम इस सॉकेट में इसको वापस से प्लेस कर देंगे, ठीक है, और इसकी जो पीसीबी है इसको हम वापस से असेंबल कर रहे हैं। इसमें दोस्तों लॉक होते हैं, लॉक के अंदर पीसीबी इजीली बैठ जाती है। दोस्तों आप ये जो इसमें नीले कलर की देख रहे हैं दोस्तों ये बैटरी होती है, जो गोल गोल कलर की आप सिल्वर के जो देख रहे हैं ये इसमें स्पीकर होते हैं, ठीक है, ये इसकी पीसीबी हम इसमें फिटिंग कर रहे हैं। दोस्तों अब बात आती है आज के अनाउंसमेंट की, आप सभी व्यूअर्स के लिए, जो हमारे व्यूअर्स हमारे सब्सक्राइबर भाई हैं जो हमारे चैनल पे आते हैं और जो हमारी वीडियो को देखते हैं दोस्तों, उनके लिए हम बिल्कुल फ्री में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स स्टार्ट करने वाले बहुत ही जल्द। दोस्तों आने वाले टाइम में आपको हम टोटल बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों वो कोर्स आप सीखने के बाद आपको जो भी हम बातें बताएंगे वो आपको ईजिली समझ में आएंगी। अभी तो क्या होता है दोस्तों, हम आपको जो बताते हैं उसमें आपको आधी चीज़ें समझ में आती हैं कि क्या सोल्डरिंग वायर होता है, क्या सोल्डरिंग आयरन होता है, हॉट गन क्या होती है, तो अभी आपके लिए दोस्तों ये वर्ड नए होंगे। लेकिन दोस्तों आने वाले आप देखिए दोस्तों, चार्जिंग हमारी लग चुकी है, हमारा जो चार्जिंग जैक ईजिली बिल्कुल अच्छे तरीके से लग गया है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों कोर्स के बारे में जो आपको बताया था, हमारे व्यूवर्स के लिए बिल्कुल फ्री कोर्स होगा, कोई पेड कोर्स नहीं होगा दोस्तों, पूरा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक का आपको ज्ञान मिलेगा और दोस्तों वो देखने के बाद आप अपने कोई भी गैजेट्स ईजिली रिपेयर कर पाएंगे। हमारे सभी व्यूवर्स की जितनी भी हम हेल्प कर सकेंगे दोस्तों उतना करेंगे, ये हमारा आप सभी से वादा है। दोस्तों हमारे चैनल पर आप सभी के लिए नए नए टेक्निकल एक्सपीरियंस से भरे हुए और नॉलेजेबल वीडियो आते रहेंगे। दोस्तों आप उन सभी वीडियो की अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों आपसे हमारी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम जो भी अपने कोर्स आगे लेके आएंगे आप सभी को सिखाने के लिए, तो दोस्तों वो आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। और दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है हमारा दोस्तों तो लाइक ज़रूर करें, आपके लाइक से दोस्तों हमारी काफ़ी हिम्मत बढ़ती है। आशा करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों आप लोगों का प्यार ऐसे ही बना रहे, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।